हेलो व्यूअर्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस वन थियरम्स, बाउंडेडनेस थियरम, फंक्शन कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल ए टू बी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, इट मींस जितने भी पॉइंट है ए टू बी, सबके ऊपर क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा और फंक्शनल वैल्यू के क्या आएगा, वो बराबर आएगा। भले ही हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की बात करें और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें। और क्लोज इंटरवल की खासियत यह है कि ए बी के सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट होंगे, इसके जो जितने भी पॉइंट हैं वो सारे लिमिट पॉइंट हैं, लिमिट पॉइंट बाहर से नहीं आएगा इसका। और जो भी सीक्वेंस हम इसके अंदर से बनाएंगे, सारा सीक्वेंस इसी के पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। जैसे एक्सियन हमारा कोई सीक्वेंस है, कन्वर्ज कर रहा है सी पे, लेकिन ए सी कहाँ से, किसमें है, इसी क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है। कंप्लीट होता है ना, एक कंप्लीट टॉपिक होता है, कंप्लीट का मतलब ये होता है डोमेन में से ही सीक्वेंस लें और उसके पॉइंट पे ही वो कन्वर्ज करें। इफ एक्शन बी अ सीक्वेंस फ्रॉम ए टू बी, एक्शन कोई सीक्वेंस लेते हैं ए टू बी, कन्वर्जेस टू पॉइंट ए टू बी, एक्शन सीक्वेंस ले रहे हैं जिसके सारे टर्म्स किस में आ रहे हैं, ए टू क्लोज इंटरवल ए टू बी में बिलोंग कर में आ रहा है, और कन्वर्ज कर रहा है सी पे, और सी भी क्लोज इंटरवल ए बी में ही क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो एफ हेंस सीक्वेंस एफ एक्शन कन्वर्ज किस पे करना चाहिए, एफ सी पे। एफ सी यानी कि जो लिमिट मिल रहा है सीक्वेंस का, उस पे एफ सी पे कन्वर्ज करना चाहिए एफ एक्शन। और सी इज वाट, लिमिट सीक्वेंस का लिमिट है सी, और एवरी लिमिट इज अ लिमिट पॉइंट, वेयर सी इज अ लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, सी इज अ लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। हेंस एवरी एफ सी फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी इज बाउंडेड, क्या होगा, बाउंडेड होगा, सो एफ एक्स इज बाउंडेड। अब इस थ्योरम से हमें एक कंक्लूजन निकला कि आज के बाद फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस है तो पक्का बाउंडेड होगा। बाकी किस चीज में नहीं बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड पक्का होगा। अभी हम एक, नाउ प्रूफ इज डन, अभी एक एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। फंक्शन एफ ए टू आर इज ए कंटिन्यूअस, देन एफ एक्स मस्ट बी बाउंडेड, बोल रहा है मस्ट बी बाउंडेड होना चाहिए। कब, इफ ए क्या होगा कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है ए टू, जिसका डोमेन ए है, ए क्या होना चाहिए जिसके लिए हमारा फंक्शन पक्का बाउंडेड हो। हाँ भाई, इसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्लोज भी है इंटरवल, अभी मैंने थियरम्स पढ़ा वहाँ से फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। लेकिन इसके अंदर फंक्शन में ऐसा मिल सकता है जो कंटिन्यूअस होगा बट बाउंडेड नहीं होगा उसका रेंज, जैसे 1/x ले लो तो ये रॉन्ग, ए वाला भी रॉन्ग, ए फोर्थ वन इज आल्सो करेक्ट, बिकॉज क्लोज इंटरवल है और यूनियन है किसके साथ, सारे आइसोलेटेड पॉइंट है 12, 13 एंड 5, तो इसमें भी क्या होगा, फंक्शन हमारा बाउंडेड होगा और कंटिन्यूअस फंक्शन इसमें मिल जाएगा, होता है कंटिन्यूअस फंक्शन आइसोलेटेड पॉइंट पे भी और यूनियन है उसका क्लोज इंटरवल के साथ। सेकंड, वन बाई एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल 0 to 1 के सारे पॉइंट पे, क्या है इसकी लिमिट भी मिलेगी और फाइनाइट मिलेगी इंटीरियर पॉइंट पे, बाउंड्री की बात नहीं कर रही, तो 0 और 1 है ही नहीं ओपन इंटरवल के अंदर। मैंने यहाँ पे शो भी करने की कोशिश की है, कराने की, सी पॉइंट है जो इसके अंदर से ले रहे हैं 0 और 1 के, और उस पर चेक किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1/c मिला दिस वे और राइट हैंड लिमिट 1/c एट सी पे, फंक्शनल वैल्यू इज 1/c, कंटिन्यूअस तो है इस ओपन इंटरवल 0 to 1 में, बट क्या ये बाउंडेड है, रेंज इज अनबाउंडेड।
range is not bounded. 1 by x continuous in open interval 0 to however but not bounded. Since if we get sufficiently close to 0 from right, the 1 by x become arbitrarily large. या इस चीज़ को समझने के लिए एक सीक्वेंस लीजिए जिसके सारे टर्म्स जीरो और वन के अंदर लाई कर रहे हैं. जैसे कि वन बाई टू एन ले लेते हैं, एक्स एन इक्वल टू वन बाई टू एन, सारे टर्म्स जीरो और वन के, लेकिन इसका लिमिट कहाँ जा रहा है? जीरो, जो कि है ही नहीं जीरो और वन में. और लिमिट तो नहीं है बट फंक्शनल वैल्यू भी क्या करेगा, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. Okay, thanks for watching.